नमस्कार, मैं श्वेता तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने हर जगह धूम मचा दी है। दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। कम स्क्रीन और बिना किसी प्रमोशन के बावजूद भी इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में सफलता हासिल कर ली है, जिसकी एकमात्र वजह फिल्म का सच्चाई पे आधारित होना है, जिसे डायरेक्टर ने बखूबी दिखाया है। फिल्म की IMDB की रेटिंग को देखें तो इसको 10 में से 10 रेटिंग मिली है। कश्मीरी पंडितों के दर्द की दास्तां बयां करती इस फिल्म को एक फिल्म कहना ठीक नहीं होगा। ये उन लोगों के दर्द का दस्तावेज है जिन लाखों लोगों को आधी रात को अपने घरों से बेघर कर दिया जाता है। लगता है कश्मीर फाइल्स की कामयाबी का बीड़ा जनता ने उठा लिया है। इसकी वजह ये है कि इस फिल्म के जरिए शायद ऑडियंस उस दर्द को समझ पा रही है। यही वजह है कि बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन के न केवल दर्शकों के दिलों में फिल्म अपनी जगह बना रही है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों के अभिनय को खूब सराहा जा रहा है। अनुपम खेर ने इस फिल्म में जिस तरह का अभिनय किया है, उसको देखकर कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वह अभिनय कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इस फिल्म के जरिए दर्शकों से साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनुपम खेर खुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं, जो 1990 की कश्मीर की घटना के भुक्तभोगी रह चुके हैं। तारीफ इस फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की भी, जिन्होंने तमाम चुनौतियों को स्वीकारते हुए इस फिल्म को पूरा किया। विवेक, पल्लवी जोशी और निर्माता अभिषेक समेत फिल्म की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में मुलाकात की। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया, कश्मीर फाइल्स की टीम ने PM मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने टीम के साथ साथ फिल्म की भी सराहना की। लोगों की राय जानने के लिए शनिवार को हमने फिल्म देखकर निकल रहे लोगों से बात की। जानिए फिल्म के बारे में उनकी राय। सोचिए, जो कहानी पर्दे पर 32 साल बाद देखकर लोगों को भावुक कर देती है, तो कल्पना करिए कि जब वो बीत रही होगी तो कश्मीर में कितनी बर्बरता दिखाई गई होगी। जो लोग फिल्म देखकर हॉल से बाहर निकल रहे हैं, वे बेहद ही भावुक दिखे। शब्द नहीं है मेरे पास बोलने को, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो बाहर निकल के हंस रहा होगा। सिर्फ आंखों में आंसू थे और कुछ नहीं थे। अच्छी लगी पिक्चर, काफी कुछ लोगों को पता चला इससे। मूवी अच्छी थी, यूजुअली जो उसके बारे में सुन के आए थे, हाँ। जिस तरीके से काफी ज्यादा सेंसिटिव और काफी ज्यादा सोशल उस पे कॉज पे बनी हुई है, सो उसी तरीके का फीडबैक था और अच्छी थी मूवी ओवरऑल। अच्छी है, बहुत सही मूवी, बहुत सही। हम लोग से कुछ देखने को मिला। रियलिटी इज शोन इन दिस मूवी एंड द रियली हार्ट टचिंग नो वर्ड्स। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ।